आज हम फैजपुर शहर के मारूफ हॉस्पिटल पहुंचे हैं और यहां पर डॉक्टर मुदस्सर नज़र से आंखों की जो बीमारी पूरे परिसर में यहां तक के मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर तक देखने को मिल रही है। आज हम डॉक्टर मुदस्सर नज़र मारूफ हॉस्पिटल के संचालक से बात करेंगे कि आंखों की बीमारी क्या है और इससे किस तरह बचा जाए और क्या किया जाए, इस बारे में हम इनसे राय लेंगे। हम डॉक्टर मुदस्सर नज़र से सवाल पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं हर तरफ आंखों की बीमारी चल रही है, लोग काले चश्मे लगाकर हर तरफ नज़र आ रहे हैं, ये बीमारी क्या है? ये हर साल होती है इसी मौसम में, बारिश के स्टार्ट में ये बीमारी होती है। जब वाटर पार्टिकल एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है, हुमस ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी, तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। एक आईबॉल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, ये कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। इसी को पिंक आई भी बोला जाता है। दूसरी बात कि ये इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है, लालपना आ जाता है और मरीज को बहुत ज़्यादा आँखों में जलन, चुभन और खुजली का एहसास होता है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी से बचने के लिए आम लोगों ने क्या करना चाहिए? जिनको अभी हुई भी नहीं है ये तकलीफ, ऐसे लोगों ने आंखों पर चश्मा लगा कर रखना, भीड़ भाड़ की जगहों पर नहीं जाना और जहां तक के हो सके के बार बार हाथों को धोना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर हाथों को आंख पर लगाते हैं, उसी की वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो भीड़ भाड़ की जगहों से बचे, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का तौलिया या रुमाल ना इस्तेमाल करें, ये चीज़ें करना चाहिए। और जिन्हें ये आँखों की बीमारी लग चुकी है उनके लिए क्या उपाय है? सबसे पहले तो डॉक्टर से मिले और उनकी सलाह के मुताबिक ही दवाएं करें, अपने हिसाब से किसी और के ट्यूब वगैरह आँखों में ना डाले जाए। दूसरी बात कि आँखों पर काला चश्मा लगा कर रखें ताकि आपकी वजह से किसी और को ये तकलीफ ना फैले। दूसरी चीज़, अगर जैसे जिन छोटे बच्चों को हो जाए, जो स्कूल जाते हैं, तो उन बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाया जाए। हाथ बार बार साबुन से धोए जाए और ये 99% क्यूरेबल है, इसमें 5 से 7 दिन मरीज को तकलीफ रहती है और वो क्योर हो जाती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही अपना इलाज करें। लोगों में थोड़ा डर महसूस हो रहा है, जैसे चिकनगुनिया वगैरह जैसी बीमारी तो नहीं है ये? नहीं, ये छुआछूत वाली बीमारी है और एक से दूसरे को फैलती है, तो इसके लिए एहतियात बरतेंगे आप और घर पर रहेंगे, जिनको हो गई वो घर पर रहे तो बहुत आसानी से हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं, इस महामारी के वबा के ऊपर। आप देख सकते हैं डॉक्टर मुदस्सर नज़र ने जो हमें मालूमात दी मेडिकल लाइन से, आप तमाम लोगों ने इस पर जिन्हें आँखों की बीमारी हो चुकी है एहतियात करना चाहिए और डॉक्टर्स की सलाह बगैर दवाई ना ले और डॉक्टर को ही बताए, ऐसी बात डॉक्टर मुदस्सर नज़र ने बताई। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात अब तक।